नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फूड विद टिप्स पे। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इडली, रवा इडली कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले ये हमने ली है 2 कप सूजी, ये हमने 2 कप सूजी ली है। उसके बाद हमने ये 2 कप दही लिया है। थोड़ा सा तेल चाहिए हमें ये इडली के सांचे पे लगाने के लिए चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा नमक और इनो। तो अब हम अपनी इडली बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी सूजी को ले लेते हैं। उसके बाद ये हमने फेटा हुआ दही लिया है, इसे डाल लेंगे इसमें। और अब इसे मिला लेते हैं। हमें इसे अच्छे से मिलाना है, इसमें गुठलियाँ ना रहे। जैसा कि अब ये थोड़ा थोड़ा मिल गया है, तो अब हम इसमें अपना नमक स्वाद अनुसार और इनो डाल लेते हैं। अब जैसा कि ये हमारा बैटर बहुत गाढ़ा है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो अब हमने इसमें सब कुछ अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए, थोड़ी देर इसमें खमीर उठने के लिए, इसे थोड़ा फूलने के लिए इसे रख देंगे। इसे ढक के रख देते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम अपना बैटर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है। तो जैसे कि अभी ये बहुत गाढ़ा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। हम पानी इसमें अब मिलाएंगे जितना हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है उस हिसाब से। इसे अच्छे से मिलाइए। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो तब तक हम अपने कुकर में पानी डाल के इस पानी को उबलने के लिए रख देते हैं। तो जब तक पानी उबल रहा है, तब तक हम अपने सांचे में तेल लगा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा तेल लगा देंगे, इससे हमारी इडली आसानी से निकल जाएगी। अब हमने सब में तेल लगा लिया है। और अब हमारे पानी में उबाल आ चुका है। अब हम बिल्कुल एंड में, सबसे एंड में इसमें इनो डालेंगे। इससे ये होगा, क्योंकि हमें सबसे एंड में इनो इसीलिए डालना है ताकि इसमें जो एयर बबल्स आएंगे, उसकी वजह से हमारी इडली फूली फूली और फ्लफी बनेगी। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इनो बिल्कुल जब हम इडली बनाने स्टार्ट ही कर रहे हो तब डालना है। और इसे डाल के अच्छे से मिला लीजिए। अब आप देख सकते हैं इसमें एयर बबल्स आ रहे हैं। ये पहले से बहुत फ्लफी हो गई है, तो अब हम सांचे में डाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे सांचे में भर लेंगे अपना बैटर।
तो अब हमारा साँचा बिल्कुल रेडी है। अब देख सकते हैं पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अब हम अपना इडली इसमें रखेंगे और इसे बंद करके रख देंगे। हम कुकर में से सीटी हटा देंगे। हम इसे बिना सीटी के 5 मिनट रखना है, उसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो अब हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, हम अपनी इडली को चेक कर लेते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो अब हम इसे चाकू की मदद से निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने तेल लगाया था तो ये हमारी बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल अच्छे से बाहर आ गई है। ऐसे ही हम अपनी सारी इडलियाँ निकाल लेंगे। और अब हमने सारी इडली निकाल ली है अपनी। अब हमारी इडली तैयार है। आप इसे सांभर और चटनी के साथ खाएं, अपने परिवार को भी खिलाएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। उससे क्या होगा, हमारे आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।